हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 12 वीडियो में। रोनी की ट्रेनिंग जो सीरीज चल रही है उसमें हमारा ये भी मतलब है बताने का कि जो विंटर आ रही है बीच में तो कैसे अपने डॉग की केयर करें, क्या स्पेशल विंटर केयर है, तो इसके बारे में पूरा जानेंगे एक एक पॉइंट से। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। ये जो ट्रेनिंग सीरीज चल रही है हमारी, इसमें लोग कमेंट करते हैं और उनके शाउट आउट भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी ट्रेनिंग में कमेंट कर रहे हैं लोगों को, उनके शाउट आउट देना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है। लोग पर्सनल ट्रेनिंग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं हम लोग उन पे ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, उनके थ्रू आप घर बैठे डॉग को खुद से सिखा सकते हो बिना किसी ट्रेनर की हेल्प के, बहुत ही छोटे से प्राइस में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विंटर में बहुत से लोगों की क्वेरी आती है कि अपने डॉग की क्या स्पेशल केयर करनी है, तो हर डॉग के लिए एक चीज़ काम नहीं करती है, हर डॉग के लिए अलग अलग प्रॉब्लम आती हैं, हर ब्रीड के लिए हर चीज़ें अलग फेस करनी पड़ती हैं। तो ब्रीड भी कई तरीके की होती है, जैसे आपको स्मूथ फर के डॉग्स मिलते हैं, स्मूथ फर के डॉग्स जो होते हैं छोटे छोटे बालों वाले डॉग, उनको ठंड ज़्यादा लगती है, और जो कुछ बड़े बालों वाले डॉग होते हैं जैसे कि लासेफ्स हो गया, आपके जर्मन शेफर्ड डबल कोटेड हो गए, सेंट बर्नार्ड हो गए, तो ये अलग जो ठंडी जगह के डॉग हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नॉर्मली बड़े बाल भी होते हैं उनके। स्मूथ फर के डॉग और एक मीडियम कोट में आते हैं, जैसे लैब्राडोर हो गए, जर्मन शेफर्ड भी मीडियम कोट वाले आते हैं, ठीक है, और भी कई सारी ब्रीड आएंगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके की ब्रीड्स होती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम अपनी बॉडी के हिसाब से वो फेस करती हैं, ठीक है। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि स्मूथ फर वाले जो डॉग्स होते हैं उनकी क्या स्पेशल केयर है, उनको केयर की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। नो बॉय स्टे, इनकी ट्रीट है हमारे आदमी, थोड़ी खा लेंगे, खा लो, ठीक है। तो क्या होता है कि स्मूथ फर के जो डॉग्स होते हैं उनको जैसे जहाँ भी बैठते हैं एकदम से सर्दी है, जब मौसम चेंज होता है तो हवा लगती है बॉडी में, तो जल्दी डायरेक्ट स्किन पे लगती है। अब वो हवा क्या होता है कि उनको मौसम चेंजेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अब उससे बचाने के लिए हम लोग हल्की फुल्की टी शर्ट ले लेते हैं, तो एक टी शर्ट पहना के रख सकते हो। डॉग को बहुत ज़्यादा गर्म कोजी कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक हल्का सा सपोर्टिव कुछ पहना सकते हो स्मूथ फर वाले डॉग को। और ध्यान रखना है कि वो जहाँ बैठता है बैठने का एरिया आपको ऐसा रखो जैसे कि उसका टेम्परेचर, पहले तो ज़रूरी नहीं है कि वो बिस्तर पर बैठे या ना बैठे, किसी को आदत होती है किसी डॉग को, किसी डॉग को नहीं होती है। अगर आप चाहोगे अचानक से उसकी आदत बन जाए तो नहीं बनेगी। तो आपको क्या करना है कि जो जहाँ का एनवायरनमेंट है वहाँ का बैठने का उसका, तो इस एरिया के फर्श को क्या करें, उसका टेम्परेचर मेंटेन करें जैसे नॉर्मल टेम्परेचर से। कैसे, जैसे वहाँ पे एक आप 100 वाट का एक या 200 वाट के जो बल्ब आते हैं हेलोजन वाले या फिर नॉर्मल वाले जो येलो कलर की जो रोशनी करते हैं, उन बल्ब को लगा सकते हो वहाँ पे, और उनको जब लगा के रखोगे तो क्या वो थोड़ी हीट फेंकते हैं, और जिस वजह से कि ये फर्श जो होता है बाहर के अकॉर्डिंग अंदर थोड़ा नॉर्मल मेंटेन हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाता है, तो वहाँ बैठेगा नॉर्मल तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपका डॉग बेड पे बैठता है तो बेड लगातार बिछा के रखना है, क्योंकि डॉग को ऊपर से ठंड ना लगते, उनके फर को, फर तो रोक लेता है ठंड को, क्योंकि जो हीट है वो इंसुलेशन का काम करता है और हीट को अंदर बना के रखता है, बट जो पेट होता है ना, पेट डायरेक्ट टच में आता है, ठीक है। डॉग का जैसे पेट जहाँ बैठा है ये नीचे फ्लोर के टच में आया तो क्या होता है, तब ठंड लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस समय प्रॉब्लम आती है जब ठंड लग जाती है डॉग को, तो उसकी जैसे उसको वॉमिट आने लगती है, वाइट वाइट कलर की वॉमिट करता है, झाग से निकालता है, ठीक है। उस गर्मी में जाकर थोड़ी देर जैसे धूप निकली तो वहाँ बैठेगा और सुस्त रहेगा, कुछ खाना कम कर देता है, नाक उसकी एकदम ठंडी रहती है, नोज़ पे जब हाथ लगा के देखेंगे तो ठंडी ठंडी रहेगी। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं कि उसको ठंड लगी हुई है, ठीक है। और ज़्यादा ठंड लगने की वजह से छोटे पप्स होते हैं उनको दस्त भी स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे पप को भी बहुत जल्दी ठंड लगती है, उनकी बात अभी बाद में करेंगे। फिर आपको खाने में कुछ ऐसी चीज़ जैसे कि एग वगैरह ऐड कर देनी है, अंडे अगर आप ऐड कर देंगे थोड़ा गर्माहट का अंदर से काम करते हैं, जैसे हम लोग च्यवनप्राश खाना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे डॉग के लिए कुछ हल्का सा डाइट में चेंजेस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा तो चेंजेस डॉग भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आप ज़्यादा चेंजेस करेंगे तो वो भी नहीं खाएगा। बॉय नो नो बॉय, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, ये घास खा रहे हो। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको वहाँ भी नहीं करने हैं डाइट में, बट थोड़ी चीज़ें जो एक्स्ट्रा आप ऐड कर देंगे, जैसे कि एग ऐड कर दिया, उससे अलग आप खाने में थोड़ी प्रोटीन वाली चिकन वगैरह सूप पिलाना स्टार्ट कर दो गुनगुना करके, गर्म करके, तो ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करेंगी। सुबह के टाइम पिला दिया आपने तो सर्दी से प्रोटेक्ट करती हैं आपके डॉग को, बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो ये तो बात होगी थोड़ी सी हमारी स्मूथ फर वाले। अब जो लॉन्ग फर वाले डॉग होते हैं ना, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोट पहना देते हैं, डॉग एडजस्ट नहीं करता है, उनको इतनी ज़रूरत नहीं है, उनका वूली फर होता है, जो लॉन्ग फर वाले होते हैं वो हीट ज़्यादा रोकते हैं अपने बॉडी के बीच में, ठीक है, तो बॉडी को ठंडा नहीं होने देते। मेन उनका पेट रहता है, तो पेट के लिए वही आप बिछा के रख सकते हो नीचे कुछ, ठीक है, नीचे बिछा के रखिएगा, टेम्परेचर मेंटेन कीजिएगा। वैसे तो नॉर्मली वो डॉग जहाँ बैठते हैं वहाँ गर्म हो जाता है उतना एरिया, तो नहीं ठंडा होने देता, बट सेम चीज़ आपको वहाँ पर भी फॉलो करनी है। बड़े वाले वाले डॉग को कोट पहनाने की ज़रूरत नहीं है, ये टी शर्ट कोट में रह सकते हैं, क्योंकि हर ब्रीड के डॉग के लिए कोट ज़रूरी नहीं है। अगर आप लॉन्ग फर वाले डॉग को कोट वगैरह पहनाते हो तो क्या होता है, जैसे ही निकालोगे तो बहुत ज़्यादा ईचिंग करता है, आपने देखा होगा कि
रगड़ के निकलता है बॉडी को, क्योंकि उससे खुजली हो रही होती है, बार बार खुजाता है गर्म कपड़े पहनाने से, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है थोड़ी, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको, ये सब नहीं करना है। और बस खाने में वही चेंजेस रखने हैं आपको, नॉर्मल जो स्मूथ फर को दे रहा है वो बड़े वाले वाले डॉग को भी देख सकते हो। अब ये तो बड़े डॉग तो ऐसे सर्वाइव कर जाते हैं, एनवायरनमेंट ऐसा दे दिया आपने, एक कमरा एक ऐसा बना दिया रूम या फिर जहाँ पर रख रहा है कि टेम्परेचर उसका मेंटेन है, तो डॉग को इतना फर्क नहीं पड़ता है वेदर चेंजेस से, वो एडजस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं। बट दिक्कत वहाँ पे आती है कि जब एक छोटा पप लेके आए हो आप, तो बात आती है छोटे पप्स की, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है विंटर केयर की, क्योंकि जरा सी लापरवाही और बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। अगर आपका पप छोटा है एकदम, तो उसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी उसको ठंड लगती है, ठंड गर्मी दोनों ही ज़्यादा लगती हैं। बट क्या है, सबसे पहले अगर ठंड में लेके आए तो ठंड लगने के चांसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि ठंड की वजह से ही मोस्टली पप्स जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। उसमें क्या होता है, एक बार डायरिया हो जाता है डॉग्स को ठंड लग जाती है, तो क्या तो उल्टी दस्त स्टार्ट हो जाते हैं, और वो होने के बाद फिर उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो उसको फेस कर पाए। तो ठंड जो लग जाती है उसके सिम्टम्स होते हैं, डॉग की जो पप है उसकी नाक एकदम ठंडी हो जाएगी, बार बार वाइट वाइट कलर की वॉमिट करेगा, ठीक है, और बार बार करता है, कुछ भी खाता है तुरंत उल्टी करने लगता है, और जो मोशन है एकदम पॉटी एकदम लूज करता है। और तो यही उसके लक्षण होते हैं। इनसे बचाने के लिए आपको क्या करना है, एक एनवायरनमेंट सेट करना है, पप को कहाँ रखना है, क्योंकि आप बहुत छोटे कपड़े लगातार पहना के नहीं रख सकते पप को, तो आप ऐसी जगह रखेंगे उसको, एनवायरनमेंट जहाँ सेट कर लिए रखते हैं तो एक एरिया, तो एरिया एक ऐसा बाउंडेड कर देंगे जहाँ से पप भाग ना पाए इधर उधर, और जहाँ पे बैठेगा वहाँ कुछ बिछा के रखें, और अगर फर्श पे भी जा रहा है तो ध्यान रखें कि वो ज़्यादा देर फर्श पे ना बैठे, उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। इससे अलग जिस रूम में रह रहा है वो, वहाँ एक बल्ब टांग दें, हैलोजन बल्ब, ठीक है। तो हैलोजन बल्ब क्या होता है, वो थोड़ा गर्माहट रखता है रूम में, और हीटर भी, हीटर नहीं लगाना होता है, ब्लोअर हीटर नहीं लगाना होता है। आप सोचे कि हीटर या ब्लोअर लगा दें, वो मैं अभी बताऊँगा कि क्यों नहीं लगाना है। तो हैलोजन बल्ब से इतना टेम्परेचर मेंटेन रहेगा कि इनकी बॉडी को ठंड ना लगे, बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और जैसे ड्रॉप वगैरह आते हैं कुछ डॉक्टर से कंसल्ट करके ठंड से बचाने के लिए, आप ओरल भी सस्पेंशन दे सकते हैं उनको, और बाकी एग वगैरह मैश करके दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कर देना स्टार्ट कर दीजिएगा, वो काफ़ी फ़ायदा करता है। तो अभी जान लेते हैं कि हीटर और ब्लोअर क्यों नहीं लगाना चाहिए डॉग के रूम में। अब क्या होता है कि डॉग को बहुत ज़्यादा जब ठंड लगती है तो आपने हीटर लगा दिया, अब हीटर में क्या होगा कि जब बॉडी गर्म होती है, एनवायरनमेंट गर्म होगा, इतना कितना सेट होना चाहिए वो उनको नहीं पता है और आपको भी नहीं पता, तो गर्म हीट लगातार आने की वजह से क्या होता है, बॉडी सूखने लगती है, बॉडी का पानी सूखने लगता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिस वजह से पप और ज़्यादा बीमार हो जाता है। और या फिर डॉग है तो उसको भी यही प्रॉब्लम आती है कि अगर आपने हीटर लगाया हुआ है तो उसकी बॉडी का पानी जब सूखने लगेगा धीरे धीरे वाटर अंदर का, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होने लगेगा बॉडी में और वो धीरे 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 बीमार होने लगेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, बस इतना ही टेम्परेचर मेंटेन करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ब्लोअर वगैरह कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। ये तो हो गई बात कि ब्लोअर ना लगाने वाली बात। अब आप इसको, अगर आपके पप को अगर ठंड वगैरह कुछ हो जाती है तो क्या करना है, आप लोग ऑनलाइन सॉल्यूशन जैसे देखते हैं ना कि ठंड लग गई हम घरेलू नुस्खे ये सब करें, ये तो मैंने प्रिवेंट करने की चीज़ें बताई हैं कि आपको होने से रोकना है। अगर हो जाता है तो बिल्कुल भी डिले ना करें, क्योंकि ठंड लगने पर बहुत ज़्यादा रिस्की मामला होता है डॉग्स के लिए, तो तुरंत अपने वेट से मिलिएगा और बिल्कुल भी डिले ना करें इस चीज़ में, क्योंकि ऑनलाइन सॉल्यूशन देखना हर चीज़ का अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम है ये, तो बिल्कुल भी डिले नहीं करना है इसमें। तो इस तरीके की और जानकारी को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेक योर डॉग स्मार्ट विद स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, चैनल।